हे hey, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं टैक, आपका बॉटनी टीचर। आज हम प्लांट फैमिली में एक नई फैमिली पढ़ाएंगे जिसका नाम है फैमिली रैननकुलेसी। पर आगे बढ़ने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। चूंकि हमने आपको पहले ही बताया, आज हम पढ़ाएंगे आपको फैमिली रैननकुलेसी। ओह छोड़िए, चलिए हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बाद से स्टार्ट करते हैं। यह मोस्टली हर्बेशियस अर्थात छोटे पौधे होते हैं। ये मोस्टली टेम्परेट या पोलर अर्थात जहाँ पे थोड़ी सी ठंडक हो या माहौल थोड़ा ठंडा हो, ऐसी जगहों पर अधिकतर पाए जाते हैं। और कुछ इनके पानी में पाए जाते हैं अर्थात एक्वाटिक होते हैं। इसका जो प्लांट होता है वो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। तो इसकी जो जड़ अर्थात रूट होती है वो मोस्टली टैप रूट होती है, पर इसमें ब्रांचिंग भी ढेर सारे होते हैं। इसके बाद अगर इसके स्टेम को देखा जाए तो इसका स्टेम मोस्टली ग्रीन कलर का सॉलिड और छोटा होता है। इसका स्टेम इरेक्ट अर्थात सीधा खड़ा होने वाला और साथ ही साथ बहुत सारी अर्थात मच ब्रांचिंग के साथ होता है। अगर इनकी पत्तियों को देखा जाए तो ये अल्टरनेट, सिंपल या कॉम्प्लेक्स दोनों भी हो सकते हैं, तो या दोनों कोई भी हो सकता है। मच ब्रांच्ड अर्थात इनमें डाइसेक्शन अर्थात ये कटे फटे बहुत ज़्यादा होते हैं, मच डाइसेक्टेड और मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन के साथ, और साथ ही साथ ये एक्स स्टिपुलेट होता है। अब जिन लोगों को एक्स स्टिपुलेट का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जहाँ से पत्तियाँ निकली होती हैं वहीं पर एक छोटा सा पत्ती नुमा संरचना पाया जाता है जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। जैसा कि आप इस दूसरे वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर पत्ती के अगल बगल से दो दो स्टिप्यूल निकले हैं, और जिन पत्तियों के साथ ये स्टिप्यूल अगर होते हैं तो उन्हें हम स्टिपुलेट, अगर ये स्टिप्यूल नहीं होते हैं पत्तियों के पास में एक हो या दो जो भी हो अगर नहीं होते तो उन्हें हम एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। अर्थात रैननकुलेसी फैमिली में स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। अगर हम इसके फ्लावर को देखें तो इसका जो फ्लावर है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोस प्रकार का होता है। अर्थात अगर आगे एक फ्लावर हो जाए तो पीछे इससे फ्लावर बनने बंद हो जाते हैं। इसका जो फ्लावर होता है वो मोस्टली छोटा, और कभी कभी जब छोटे होते हैं तो वो कैलिक्स कर्लम बटे हुए नहीं होते, मतलब देखने में लगता नहीं वो कैलिक्स कर्लम अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी पेरियंथ भी बोल देते हैं। पेडिसिलेट और ब्रैक्टिएट होता है, क्योंकि ब्रैक्टिएट हम लोगों को पहले बता दिया कि ब्रैक्ट क्या होते हैं, और पेडिसिलेट अर्थात एक डंडे के माध्यम से तने से लगा होता है। अगर डायरेक्ट लग जाए तो नॉन पेडिसिलेट, चूँकि डंडे से लगा होता है इसलिए हम इसे पेडिसिलेट कहेंगे। अगर आपको ब्रैक्ट नहीं समझ में आया तो इतना जान लीजिए पत्तियों के स्टिप्यूल की तरह इसमें भी फ्लावर का जो डंडा या वृंथ या जो पेडिसिल होता है वो जहाँ तने से ऐड होता है वहाँ पर भी एक छोटी सी संरचना बनी होती है, उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। पत्तियों में स्टिप्यूल और फ्लावर में ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट पाया जाए तो ब्रैक्टिएट, नहीं पाया जाए नॉन ब्रैक्टिएट। इसका जो फ्लावर होता है वो कम्प्लीट होता है, अर्थात इसमें चारों कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों पाए जाते हैं, और इसके साथ ही ये मोस्टली पीले कलर का होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा इसके फ्लावर्स मोस्टली पीले कलर के होते हैं, जैसे कि ये भी और ये। पर एक बात ये जान लीजिए कि इसके फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ पीले कलर के नहीं होते, कुछ और भी कलर्स हैं, जैसे कि ये देखिए कुछ ये फ्लावर्स हैं, कुछ ये और कुछ ये फ्लावर्स हैं। इनके जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वे मोस्टली पांच होते हैं, और पॉलीसेपल्स और पॉलीपेटल्स होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। इसका जो कैलिक्स होता है वो क्विकुंसियल टाइप का, और जो कोरोला होता है वो इम्ब्रिगेट टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, जो कि हम आपको आगे फ्लोरल डायग्राम में दिखा देंगे। इसके कोरोला के बेस पर नेक्टर फेरस ग्लैंड होते हैं जहाँ से नेक्टर बनते हैं, और जो तितलियाँ या मधुमक्खियाँ होती हैं वो वहीं से अपना नेक्टर लेती हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको ढेर सारे स्टेमेंस मिलेंगे, इसीलिए इसमें अर्थात रैननकुलेसी फैमिली में नंबर्स ऑफ स्टेमेंस पाए जाते हैं जो कि पॉलीएंड्रस होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, लॉन्ग फिलामेंट वाले होते हैं, येलो होते हैं, और एक्सट्रोस टाइप के होते हैं, अर्थात फ्लावर के बाहर होते हैं, फ्लावर के अंदर नहीं होते, और मोस्टली डाइथिकस होते हैं, अर्थात उनमें दो लोब पाए जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ढेर सारे स्टेमेंस देखने को मिलेंगे, और इस स्टेमेन के अंदर ओवरी होती है जो कि पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस सुपीरियर होती है, और इसमें मल्टीलॉक्युलर अर्थात ढेर सारे चैम्बर्स होते हैं,
और इसमें मोस्टली बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, अर्थात जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के बेस पर पाया जाता है। इस फैमिली में खास बात होती है कि इसका जो क्या कहते हैं थैलेमस होता है वो ट्राइएंगुलर टाइप का होता है, अर्थात वो थोड़ा सा त्रिकोणी होता है और उसके ऊपर ओवरी लगे होते हैं, और ओवरी एक नहीं ढेर सारी। आप चिंता ना करें, हम फ्लोरल डायग्राम के वक्त आपको सब कुछ चीज़ें दिखा देंगे। इसके जो कार्पेल्स होते हैं वो मोस्टली डेसीडोस होते हैं, अर्थात जल्दी ही गिर जाने वाले होते हैं। इसका फ्लावर एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और पेंटामेरस होता है, अर्थात इसमें कैलिक्स और कोरोला पाँच पाँच होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक के बारे में फ़र्क बताएंगे, और ये है कि यदि अगर हम किसी फ्लावर को उसके सेंटर से होते हुए अगर कट करें और वो फ्लावर किसी भी प्रकार से कट करने पर यदि हमें दो सेम इक्वल पार्ट्स में मिले तो उसे हम एक्टिनोमार्फिक, जैसे कि यदि हम इस फ्लावर को इस तरह से कट करें जो इसके सेंटर से होते हुए जाए तो यह हमें दो सेम इक्वल पार्ट्स में मिलेगा, और यदि हम अगर उसको ऐसे काटें तो भी हमें दो सेम इक्वल पार्ट्स, और यदि ऐसे कट करें तो भी इक्वल पार्ट्स, अर्थात हम चाहे जैसे काटें बसरते वो सेंटर से जाए, और अगर हमें दो सेम इक्वल पार्ट्स में तो उसे एक्टिनोमार्फिक, जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं, ये है एक्टिनोमार्फिक का चिन्ह, अर्थात कहीं से भी काटो सेम पार्ट। और यदि अगर काटने के लिए कोई स्पेशल स्थान हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, अगर इसको सिर्फ इस स्थान से काटा जाएगा तभी यह दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा, अन्यथा और कहीं से भी नहीं। जैसे कि अगर देख लिया हम इसको ऐसे काटें तो यह हमें एक तरफ पीला वाला छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे और दूसरी तरफ गुलाबी रंग के बड़े बड़े पार्ट्स, सेम पार्ट्स नहीं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम जाइगोमार्फिक फ्लावर्स कहते हैं, और इसका चिन्ह यह होता है, अर्थात इसमें एक जगह से कटेगा तभी दो सेम पार्ट्स मिलेंगे। मेरे ख्याल से आप सबको एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलिए अब हमने आपको इस फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बता दिए, अब हम आपको इसके जनरल फ्लोरल फार्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी बता देते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहाँ पर आप कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि वहीं से हमको आइडिया आता है कि हम आपको क्या क्या बताना है। और हाँ, बात प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए, क्योंकि हमें उसी से ही मोटिवेशन मिलता है आपको कुछ नया बताने के लिए। सो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो ये रहा फैमिली रेननकुलेशी के जनरल फ्लोरल फार्मूला। यहाँ पे इन दोनों का मतलब है फ्लावर या तो एक्टिनोमार्फिक है या फिर जाइगोमार्फिक। वीडियो को ख़त्म होने से पहले हम आपको एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक के बारे में बता कर ही जाएंगे। ये देखिए, यह बताता है कि फ्लावर बाईसेक्सुअल है, अर्थात उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं एक ही फ्लावर में। ये बता रहा है कैलिक्स पाँच है, ये बता रहा है कोरोला पाँच है। एक बात नोट करने के, अगर के और सी के आगे जो नंबर्स हैं वो अगर ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब वो गैमोसेफलस या गैमोपेटलस है, अर्थात सभी पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, पर यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं है, अर्थात ये पॉलीसेफलस और पॉलीपेटलस हैं, अर्थात सभी अलग अलग हैं, ब्रैकेट मतलब अंदर बंद चिपके हुए, और ब्रैकेट नहीं अर्थात खुले हुए। ये बता रहा है कि जो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव अर्थात स्टेमेंस है वे इनफाइनाइट हैं, अर्थात ढेर सारे, और ये भी बता रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अर्थात ओवरी वो भी ढेर सारी है, अर्थात इनफाइनाइट। माफ़ कीजिएगा, एक मिस्टेक हो गई, ये जो लकीर ऊपर है वो ऊपर नहीं नीचे होनी चाहिए थे जी के, क्योंकि जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, इसीलिए आप इस लकीर को नीचे कर लीजिएगा, मैंने गलती से लिख दिया। चलिए जनरल फ्लोरल फार्मूला तो उन्होंने देख लिया, अब हम इसके फ्लोरल डायग्राम को भी देख लेते हैं। यह है इस फैमिली का जनरल फ्लोरल डायग्राम, और इसमें जो यह ऊपर डॉट है वह यह शो कर रहा है कि ये जो फ्लावर है वो पेडिसिलेट है, अर्थात एक डंडे के द्वारा तने से लगा होता है। ये है इसके आउटर अर्थात कैलिक्स यानी पेटल्स, जो कि क्विक्विंसियल स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। अगर आपको क्विक्विंसियल नहीं पता तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो सबसे ऊपर वाला कैलिक पेटल है वो बाकी सब पेटल के मुकाबले इसका किनारा दोनों से ऊपर है, अर्थात ये सबके मुकाबले बाहर की तरफ है। ऐसे ही जो ये वाला है ये उन दोनों के मुकाबले अंदर की तरफ है,
अगर आप वीडियो को पॉज करके देखें तो आपको इसमें दो बाहर, दो अंदर और एक ये ऐसा पेटल मिलेगा जिसका एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर की तरफ है। इसे हम कहते हैं क्विकुंसियल, अर्थात दो अंदर दो बाहर। एक जो है वो ट्विस्टेड, एक बाहर एक अंदर, ऐसे होता है, उसे हम क्विकुंसियल कहते हैं। अब जो इसके अंदर की लकीर है उसे हम कहते हैं कोरोला, अर्थात सेपल। ये जो सेपल है वो इमरीगेट प्रकार की होती है। ये ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसमें क्या होता है कि एक सेपल बाहर, एक सेपल अंदर और बाकी तीन एक दूसरे में उलझे हुए, अर्थात ट्विस्टेड प्रकार के होते हैं। इसे हम कहते हैं इमरीगेट। यकीन न हो तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए। चलिए, हमने इन सब के बारे में बातें कर ली, अब हम इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट्स के बारे में भी देख लेते हैं। इसके कई प्लांट्स हैं जिनमें कुछ प्लांट्स का नाम बहुत ही फेमस है, जैसे डेल्फिनियम। इसका प्रयोग होम्योपैथिक दवाइयों में, फीवर में, कम दर्द में या बहुत सी प्रकार की दवाइयाँ बनाने में यूज हो। डेल्फिनियम की प्रजाति है डेल्फिनियम जलाइल। इसका प्रयोग जॉन्डिस और स्प्लीन के बीमारियों के उपचार में होता है। एक और पौधा है नाइजेला सटाइवा, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं। एक पौधा है एकोनिटम नेपेलस, यह एक मेडिसिनल प्लांट है। इसमें डेल्फिनियम कई सारी प्रजातियाँ प्रयोग की जाती हैं। एक है जेलिक्ट्रम की स्पीसीज जो मेडिसिनल है और उसे ममीरा भी कहते हैं। तारीख के अनुसार आपको सब चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई भी समस्या हो या इस वीडियो से जुड़े कोई भी बात हो या हमें कोई सुझाव देना हो तो आप नीचे कमेंट जरूर किया करें। हमने आपसे पहले भी कहा, आप कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर किया करिए, पर आप हैं कि वीडियो देखे जल्दी कमेंट, नो सब्सक्राइब नो लाइक, अरे कुछ तो किया करिए। आपसे बाई हार्ट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी आपको ऐसे ही औसम वीडियोस दे सकें। अगर आप नहीं जानते हो तो इतना ज़रूर जान लीजिए कि एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइब बहुत बड़ी मायने होती है। क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसलिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर। एंड हाँ, जो भी आपकी शिकायत सुझाव या क्वेश्चंस या इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे एक नए सेगमेंट में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।